इजराइल और हमास जंग के बीच कई देश भारत की सेल्फ मेड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम आकाश को खरीदने पर नजर गड़ाए हुए हैं। एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में काम करने में सक्षम आकाश मिसाइल सिस्टम ने हाल ही में एक साथ चार लक्ष्यों को निशाना बनाया, जिससे इसका फेम और भी ज्यादा बढ़ गया। रिपोर्टों से पता चलता है कि दक्षिण अमेरिका, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देशों ने सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल हथियार प्रणाली को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ब्राजील, फिलीपींस और मिस्र जैसे कई मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं ने भारत की इस घरेलू मिसाइल सिस्टम में इन्वेस्ट करने की इच्छा जाहिर की है। ऐसे में आज इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में यही जानेंगे कि आखिर क्या है ये आकाश मिसाइल सिस्टम और इसे क्यों भारत के आयरन डोम के तौर पर देखा जा रहा है। आकाश एक तरह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM प्रणाली है, जो एक साथ चार लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। इसे DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और इसका उत्पादन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL कर रहा है। आकाश मिसाइल सिस्टम को भारत का आयरन डोम भी कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दुश्मनों के हवाई हमले से निपटने में पूरी तरह सक्षम साबित होगा। ये दुश्मनों के रॉकेट हमले का मुकाबला करने वाली इजराइल की प्रणाली के समान है। हाल ही में परीक्षण के दौरान एक साथ चार लक्ष्यों को सफलतापूर्वक टारगेट करके इसने अपनी ताकत साबित भी कर दी है। तो चलिए अब पॉइंटर्स में आकाश की ताकत को भापते हैं। पहला, आकाश SAM में बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी कि ECCM की सुविधा है। यह पूरा हथियार सिस्टम मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कॉन्फिगर किया गया है। नंबर दूसरा, यह 4.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की दायरे में संचालित होता है। इसके ऑपरेशन की ऊंचाई 100 मीटर तक है। नंबर तीसरा, आकाश मिसाइल की लंबाई 5870 मिलीमीटर, डायमीटर 350 मिलीमीटर और वजन 710 किलोग्राम है। यह हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और UAV सहित कई तरह से आने वाले खतरों को लक्षित कर सकता है और इन्हें मार गिराने में सक्षम है। नंबर चौथा, ये कमांड गाइडेंस वाला एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो लक्ष्य का पता लगाने से लेकर इसे खत्म करने का काम बहुत तेजी से करता है। पांचवा, इसका ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर मौजूदा और भविष्य के वायु रक्षा वातावरण के लिए अनुकूलन क्षमता प्रदान करता है। नंबर छठा, आकाश SAM सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह के जैमिंग के खिलाफ मजबूत इम्यूनिटी दिखाता है। नंबर सातवा, आखिरी और सबसे अहम, आर्मेनिया के बाद ब्राजील और मिस्र जैसे देशों ने इस प्रणाली को खरीदने में रुचि दिखाई है। उम्मीद करते हैं हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।